पर अजय राय को सुना आपने। वैसे दिलचस्प बात यह है रोहित कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी नॉमिनेशन भरने के बाद दोबारा कोई रोड शो नहीं करने गए, जबकि यूपी के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उन्होंने तवज्जो दी है रोड शो और रैलीज को। बिल्कुल, अकेले 17 रैली तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरसिमरत कौर बादल से भी बातचीत की है, बठिंडा से कैंडिडेट है, देखते हो क्या कह रही। बठिंडा सीट इस बार काफी ज्यादा हॉट सीट है और मुकाबला इस बार बेहद कड़ा है। हमारे साथ सिटिंग एमपी हरसिमरत कौर बादल सर मौजूद हैं। मैडम ये बताएं कि टक्कर कितने कांटे की मान रही है, क्योंकि आज तो अब से कुछ दिन बाद जो है परिणाम भी आ जाएगा। मुझे तो कोई टक्कर वाली बात लग नहीं रही है, क्योंकि एक साइड डेवलपमेंट है, अमन शांति है और विकास है, और दूसरी तरफ गुंडागर्दी, पर्चे, मारकुट, जोर जबर, भड़काऊ, अमन शांति को भंग करने वाली बातें हैं। सो जस्ट जॉन सी कांग्रेस पार्टी ने 2.5 साल यहाँ पे कुछ काम किया नहीं है। जो यहाँ पे गुंडा भेजा है उसकी गुंडागर्दी आज से ही शुरू हो गई तो बाद में क्या हाल होगा। सो मेरे ख्याल से तो कोई इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हर एक पंजाब का इंसान और बठिंडे वाले वो चाहते हैं कि बठिंडा की डेवलपमेंट हो, उनके बच्चों को नौकरियां मिले और एम्स जैसे प्रोजेक्ट जो यहाँ पे है वो एक हकीकत बन के ऐसे और प्रोजेक्ट्स आए। सो डेवलपमेंट के लिए लोग वोट पाने के लिए तैयार बैठे, जिस करके कांग्रेस को गुंडागर्दी का सहारा और पुलिस का सहारा लेके लोगों की वोटें रुकवाने का काम ये कर रहे हैं। मनप्रीत बादल से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने तमाम चीजें कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब चुनाव आप जीती थी तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती थी, 19,000 का मार्जिन रह आप जीती थी और उस समय पंजाब में सरकार थी आप लोगों की। अब उनका ये कहना है कि इस बार आपकी आप जो है हार जाएंगी यहाँ से, क्योंकि आपकी सरकार भी नहीं है तो सपोर्ट नहीं है। तो ये तो 23 तारीख को पता लग जाएगा, लेकिन ये जरा पूछना से मनप्रीत बादल को कि ये क्यों नहीं बताया कि वो अकेले पीपीपी पार्टी जो शहीदों की मिट्टी की कस्में खाती थी, वो जब मेरे सामने खड़े होकर उनको हार नजर आ रही थी तो चुनाव से पहले अपना इनकलाब भूल के, शहीदों की झूठी कस्में मिट्टी भूल के कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 4 पार्टियों का सहारा लेके, ये कॉमन कैंडिडेट 4 पार्टियों का आके उनको लड़ना पड़ा, क्योंकि अकेले लड़ने लायक नहीं थे और तब भी 4 पार्टियों को हरा के मेरी वोट बैंक तो जहां पे मुझे जब सबसे हाईएस्ट लीड राजा साहब के लड़के के खिलाफ सबसे पंजाब की हाईएस्ट लीड से मैं जीती थी, जितनी वो वोटें हरसिमरत कौर बादल को, बादल बहू को।